My dear friends, today we are going to discuss about common salt or called sodium chloride, NaCl. This is the most common salt used in nature, or it is found in nature in the form of rock. So it is also called rock salt. Commonly used salts, that's why it's called common salt, or it is used in day-to-day table or used in day-to-day work, also called as table salt. It is composition of sodium ion and chloride ion. Here sodium ion is a cation of sodium and chlorine ion is an anion of chlorine. So the common salt or NaCl is formed by, it is a combination of cation and anion of sodium and chlorine. The color of sodium chloride, as we know, the common salt, it is crystalline. It is white crystalline when it is in pure form. When it is in pure form, the color of salt is white and crystalline in nature. They are mostly found in solid, and the major resource from where we get sodium chloride is सी वाटर. सबसे ज्यादा आज हम बात कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड की. सोडियम क्लोराइड होता क्या है? सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला है NaCl. NaCl जिसे हम आम भाषा में कॉमन सॉल्ट कहते हैं या नमक कहते हैं, इसे रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये चट्टानों में पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड ऑफ सोडियम. और टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, इसके कुछ और नाम है. ये दिखने में कैसा होता है? ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, दाने जैसा होता है, क्रिस्टलाइन होता है. और सबसे ज्यादा जो ये सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, इट इज फाउंड इन सी वाटर, समुद्र में. समुद्र के पानी में सोडियम क्लोराइड और इसके साथ और भी क्लोराइड्स और सल्फेट्स पाए जाते हैं. NaCl इज फाउंड in sea water with chlorides and sulfides of calcium and magnesium, etc. कहाँ पाया जाता है ये? सबसे ज्यादा सी वाटर में पाया जाता है. और किस फॉर्म में पाया जाता है? क्लोराइड के फॉर्म में. क्लोराइड इसके साथ साथ और भी सल्फाइड्स और क्लोराइड्स पाए जाते हैं. किसके? कैल्शियम, मैग्नीशियम और अदर मेटल्स के. तो हमें जो एक्सट्रैक्ट करना है कॉमन सॉल्ट, हम जो एक्सट्रैक्ट करते हैं वो मोस्टली समुद्र के पानी से करते हैं. और इसमें एक समय लगता है. द प्रोसेस बाय विच वी गेट NaCl फ्रॉम सी वाटर इज कॉल्ड इवेपोरेशन. दे स्टोर वाटर समवेयर एंड एज द टाइम पासिस द वाटर, the H2O molecules evaporate and the salt remain. So this is the process by which common salt can be extracted from sea water. Okay, now we will talk about how it is essential in our life, how NaCl is very important in our day-to-day life, why we need NaCl. हमें सोडियम क्लोराइड या कॉमन सॉल्ट की जरूरत अपने लाइफ में या डे टू डे वर्क में क्यों पड़ती है? यूज ऑफ NaCl इन आवर लाइफ. सबसे पहला, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है मसल कॉन्ट्राडिक्शन के लिए. मसल्स कॉन्ट्राडिक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन. आपके शरीर में जो मांसपेशियां होती है, इनमें खिंचाव और इनके मूवमेंट के लिए जरूरी होता है NaCl. ये हमारे नर्वस सिस्टम में नर्वस के मूवमेंट के लिए, या हम यूं कहें कि ये हमारे इन कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स इन नर्वस सिस्टम. द सेकंड पॉइंट इज NaCl इज यूज्ड फॉर conduction of
nerve impulse in our nervous system. कहाँ यूज होता है NaCl? NaCl नर्व इंपल्स को कंडक्ट करने के लिए नर्वस सिस्टम के अंदर NaCl का यूज होता है. इसके अलावा जब पसीना स्वेटिंग स्वेटनिंग अकर्स वाटर एंड NaCl. हमें जब पसीना होता है इसके अंदर भी NaCl जो पानी के साथ मिलकर या डिजॉल्व होकर के बाहर आता है. स्वेटनिंग इज अ प्रोसेस व्हेन वी वर्क और व्हेन देयर इज एक्स्ट्रा और टेम्परेचर इंक्रीजेस वी हैव स्वेटनिंग. और जब हमें पसीना होता है तो उसमें भी NaCl की मात्रा होती है जो जो वाटर के साथ मिलकर के बाहर आती है. चौथा, हमें पता है कि हमें खाना पचाने के लिए क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए. और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक एसिड पाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाने के लिए भी हमें NaCl की जरूरत होती है, हमें नमक की जरूरत होती है जो हम खाने के माध्यम से अपने शरीर में लेते हैं. और ये डाइजेस्टिव सिस्टम में HCl प्रोड्यूस करता है और HCl से जो भी खाना हम खाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लेते हैं, वो डाइजेस्ट होता है क्योंकि ये एक एसिड फॉर्म करता है HCl और इस एसिड के थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा काम करता है. अच्छा, ये सारी चीजें हो गई कि हमारे शरीर के अंदर इनका यूज क्या है. व्हाई दिस NaCl इज यूज नीड टू बी इनटेक इन आवर बॉडी बिकॉज इट हेल्प्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन. It helps in conduction of nerves impulse in nervous system. It helps in the sweating is required or sweating is done by NaCl and water and to produce HCl in digestive system. HCl in stomach to for the digestion. Now if we talk about how we'll get in artificial way NaCl. NaCl, how we'll take NaCl in artificial way. One more method, when you have you know about this electrol powder. Electrol powder. Electrol powder, जब आपको शरीर में थकान होती है या extra एनर्जी की जरूरत होती है तो आप electrol powder ले सकते हैं which is a substitute of NaCl. बाहर से अगर आप NaCl लेना चाहते हैं प्योर फॉर्म में तो इलेक्ट्रॉल पाउडर जो है ये डायरेक्ट एनर्जी देता है इन द फॉर्म ऑफ NaCl. नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ केमिकल्स आर फॉर्म्ड बाय सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड से कौन कौन से केमिकल्स बनते हैं और क्या फायदा है सोडियम का इन केमिकल फॉर्मेशन. सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मेशन के लिए chemicals from NaCl और chemical form from NaCl. ठीक है, NaCl से कौन कौन से chemical बनते हैं हमें ये देखना है. तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें, हमें पता है washing soda इसमें बनता है hydrochloric acid, अभी हमने पढ़ा कि बनता है इससे, और baking soda इससे बनता है. तो पहले HCl, दूसरा वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा. HCl आपको पता है ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. वॉशिंग सोडा क्या कहलाता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट. These are the compounds which form from NaCl. Now, if you take electrolysis अगर हम करते हैं, electrolysis क्या होता है, जब हम किसी salt, किसी भी compound को water के साथ soluble करके और current का flow करते हैं या उसको
उसको चार्जिंग सिस्टम के साथ चार्ज इंड्यूस करते हैं, तब ये बॉन्ड्स ब्रेक होकर के Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है, प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ। तो इस फॉर्मेशन में ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस। These are the chemicals which formed by NaCl when it is electrolyzed. When it is electrolyzed, अब uses कहाँ कहाँ use होता है sodium chloride का? सबसे पहला in leather industry. Sodium chloride is mostly used in leather industry for leather tanning के लिए हम use करते हैं leather industry के अंदर। इसके अलावा ये ice को melt करने के लिए use होता है, melting of ice, सेवियर आइस, बहुत ज्यादा ठंड जहां होती है, और मेल्टिंग ऑफ आइस इन सेवियर कोल्ड प्लेसेस वी यूज्ड NaCl इन लेदर इंडस्ट्री फॉर लेदर टर्निंग। लेदर टर्निंग के लिए लेदर इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है। इसके अलावा आइस को मेल्ट करने के लिए जहां ज्यादा ठंड पड़ती है उन एरियाज में। इसके अलावा ये फर्टिलाइजर के रूप में यूज होता है शुगर में इन फार्मिंग, यूज्ड एज फर्टिलाइजर और शुगर बीट। सो ये सारी चीजें यहां इस इन इतनी जगहों पे NaCl यूज होता है। कौन कौन से केमिकल्स बनाता है, NaCl है क्या और किस तरह कंस्ट्रक्ट होता है, हमने इस वीडियो में ये सारी चीजें यहां पढ़ी। और इसे इस वीडियो को देखने के बाद आप बता सकेंगे कि NaCl है क्या, कैसे, क्या कंपोजिशन है, कहां से पाया जाता है और किस यूज में आता है, कौन कौन से केमिकल्स वो फॉर्म करता है, इसका प्रॉपर यूज क्या है। ये सारी चीजें आप NaCl के बारे में इस वीडियो से जान गए। थैंक यू।